क्लास टेंथ के चैप्टर टू इंटरनेट और वेब वेब सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। तो इंटरनेट और वेब पे अब हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये रिटेल कंपनी है एबीसी, ये टॉय से डील करती है। इनके काफी सारे स्टोर हैं पूरे इंडिया में। कविता शर्मा इसमें काम कर रही है एज अ स्टोर मैनेजर दिल्ली स्टोर में। जो सीईओ है इसकी मिसेस आशी भट्ट, उन्होंने इनको कहा कि वो सेल्स रिपोर्ट ऑनलाइन भेज दें। अब वो जानती नहीं कि कैसे इसको भेजा जाएगा इंटरनेट के थ्रू, जरा इनको गाइड करिए कि कैसे एज एन अटैचमेंट मेल के थ्रू ये अपनी जो सीईओ है आशी भट्ट को सेल्स रिपोर्ट भेजेंगी। तो उनके लिए आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले वो ईमेल अकाउंट ओपन करें, बनाएं पहले, तो ईमेल अगर उनका नहीं है तो बनाएं, फिर ईमेल अकाउंट में जाइए, कंपोज बटन में उनको क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेसिपिएंट, जैसे उनकी जो आशी भट्ट जी हैं उनको रेसिपिएंट में उनका ईमेल डालना पड़ेगा, और सब्जेक्ट बॉक्स में आपको वहां पर लिख देंगे कि सेल्स रिपोर्ट जनवरी, ऐसे लिख देंगी। फिर उसके बाद अटैच फाइल करेंगे, अटैचमेंट में इस तरीके से यूं बना होगा क्लिप, इस तरीके से क्लिप बनी होगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपका अटैचमेंट खुलेगा, वहां पर आप जो सेल्स रिपोर्ट है उसको क्लिक करेंगे तो वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सेल्स रिपोर्ट को अटैच करेंगे इसमें, वो बताएगा सक्सेसफुली अटैच हो गया, और उसके बाद आप ईमेल टाइप करेंगे और सेंड करेंगे तो सेंड आपके आपकी सेल्स रिपोर्ट उस ईमेल के साथ चली जाएगी। सलमा रिसीव्स एन ईमेल फ्रॉम हिज फ्रेंड आकाश। सलमा को एक ईमेल मिलता है आकाश से। इस ईमेल में आकाश मेंशन करता है क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर सलमा को हेल्दी रहना है। सलमा इसको बड़ा पसंद करती है और वो चाहती है कि ये अपने दोस्तों से शेयर करें। कैसे वो भेज सकती है यही मेल दूसरे फ्रेंड्स को, यानी फॉरवर्ड उन्हें करना है, कैसे करेंगी? तो उसके लिए वो फॉरवर्ड लिंक पे जाएंगी, वैसे पहले ईमेल ऑप्शन खोलेंगी, यूजर नेम पासवर्ड डाल के ईमेल पे आएंगी। जैसे ही इनका ईमेल देखेंगी, इसको खोलेंगी, वहां पर एक फॉरवर्ड लिंक होगा। फॉरवर्ड लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगी, वहां पर जो टू टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर जिन जिन को भेजना है उनका ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे और सेंड कर देंगे। यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम योर फ्रेंड, राइट द स्टेप्स दैट यू विल फॉलो टू रिप्लाई टू हिज टू दिस मेल। आपने एक ईमेल पाया है फ्रेंड से अपने, उसका उसको रिप्लाई करना है। जैसे ही आप अपने ईमेल के ऑप्शंस पे जाएंगे, ईमेल में लॉगिन करेंगे, तो वहां पर जब ईमेल उनकी क्लिक करेंगे आप, तो वहां नीचे रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा, रिप्लाई रिप्लाई ऑल, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। जो रिप्लाई ऑप्शन होगा वहां पर रिप्लाई मैसेज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिप्लाई मैसेज सेक्शन आएगा, उसमें वहां पर आप टाइप करेंगे अपना मैसेज और सेंड कर देंगे तो रिप्लाई एज अ रिप्लाई जाएगा। What step would you follow to send 5 photos of your birthday to a friend in an email? Email में आपको 5 फोटो भेजनी है, तो उसके लिए आपको अपने ईमेल अकाउंट में जाना है, कंपोज बटन दबाना है, वहां पर आप अपना टाइप कर दीजिए ईमेल कि माय फोटो फोटोज PFA कर सकते हैं, PFA का फुल फॉर्म होता है प्लीज फाइंड अटैचमेंट। फिर टू बॉक्स में आप उनका ईमेल डालेंगे, फिर अटैच फाइल आइकन ओपन करेंगे, जैसे मैंने बताया इस तरीके से क्लिप बनी होगी, फिर अटैच आप करेंगे और उसके बाद नेविगेट करेंगे अपनी उस जगह पे जो फोल्डर होगा आपका सिस्टम पे जहां पर आपकी बर्थडे की फोटोज होगी, एक एक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे तो पांचों की पांचों सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी जितने भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। ओपन करेंगे सारी की सारी आपके ईमेल में एज एन अटैचमेंट जुड़ जाएंगी। उसके बाद आप नया मैसेज ईमेल में अपना जो टेक्स्ट एरिया है उसमें टाइप करके सेंड बटन से सेंड कर सकते हैं। अरुण इज वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट। अरुण कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से। अब उनकी मामा आती है, बोलती है कि बेटा क्या कर रहे हो आप। अरुण अपनी मदर को बताता है कि वो इंटरनेट यूज कर रही है, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछती है उनसे कि भैया बेटा ये इंटरनेट क्या है, हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट से, क्या ऐसी किसी और को हम ढूंढ सकते हैं इसमें, जैसे किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में, क्या पॉसिबल है शॉप करना इंटरनेट पे, यदि हाँ तो कैसे, क्या इस टाइप की शॉपिंग को क्या कहते हैं, ये सब सवाल उन्होंने पूछे। आप अरुण बनिए और इन सब सवाल का जवाब दीजिए। तो पहले सवाल का जवाब देंगे कि इंटरनेट एक कलेक्शन है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क है बहुत सारे, वो सारे इंटरकनेक्टेड है, तो यूजर इससे कनेक्ट होगा, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट होगा ताकि तब वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए। इसके अलावा उनको काफी सारे डिवाइसेस चाहिए जब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस अगर आप कनेक्ट करना है,
अगर आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। फिर उसके बाद आप बताएंगे अपनी माता जी को कि मदर ये इंटरनेट को में सर्फिंग यानी ढूंढने ढांढने के लिए, जस्ट विजिट करने के लिए वेबसाइट को, किसी को सर्च करना है, कोई चीज़ सर्च करनी है, चैट कर सकते हैं, ईमेल सेंड रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फिर उनके अगले सवाल में कि आपको महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो आप बोलेंगे वेब ब्राउजर अपना दिखाएंगे, उसमें एड्रेस बार पे गूगल खोलेंगे, google.com खोलेंगे, वहां पर महात्मा गांधी या फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट महात्मा गांधी टाइप करेंगे। फिर गूगल सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास अलग अलग हाइपरलिंक आएगी, जो भी आपको पसंद आती है उसको आप खोल के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे। फिर आखिरी में आप उनको जवाब देंगे कि हाँ इससे शॉपिंग भी पॉसिबल है, इस टाइप की शॉपिंग को हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या ई शॉपिंग। एक XYZ बैंक है, उन्होंने फैसिलिटी स्टार्ट की ई बैंकिंग की। दो बेनिफिट बताइए जो कस्टमर को मिलेंगे इस सर्विस से। पहली चीज तो यह है कि जो ई बैंकिंग है वो बहुत सारे आपको फायदे देती है। पहली चीज तो यह है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो आप बगैर बैंक में विजिट किए कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसी तरीके से ATM है, अगर आप ATM पे जाके पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये ई बैंकिंग की फैसिलिटीज है। पीटर हैज रिसेंटली गॉट एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर हिज पर्सनल कंप्यूटर। पीटर ने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, वो एक ईमेल अकाउंट खोलना चाहते हैं जीमेल में। आप उनको स्टेप्स बताइए कैसे ईमेल अकाउंट ये खोलेंगे। तो आप उनसे पहले कहिए कि पहले तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करिए, उसके बाद ब्राउजर खोलिए, ब्राउजर में आप gmail.com खोलिए, वहां पर क्रिएट एन अकाउंट आएगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें आपको एंट्री करनी है, जो भी आपको क्रेडेंशियल्स आपके देने हैं। जब आप वो कर लेंगे उसके बाद एक लास्ट में एक ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके आगे लिखा होगा आई एग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट बटन पे करिए, कंटिन्यू टू जीमेल करिए, आपके पास वेलकम पेज आएगा, आप वहां पे कंपोज पे जाके ईमेल कंपोज कर सकते हैं, फिर सेंड से सेंड कर सकते हैं। बनर्जी इंडिया में रहती हैं और उनके दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। वो इनसे बातचीत करना चाहती, इनसे टच में रहना चाहती है, कौन सी इंटरनेट सर्विसेज वो यूज कर सकती हैं। तो उसके थ्रू वो देखिए पहले तो ईमेल कर सकती हैं, चैट भी कर सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकती हैं, ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे स्काइप यूज कर सकती हैं, वो जीमेल यूज कर सकती हैं, और अब तो फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब चीजें यूज कर सकती हैं। इमरान हैज क्रिएटेड अ वेबसाइट टू प्रमोट हिज बिजनेस। इमरान ने वेबसाइट बनाई बिजनेस प्रमोट करने के लिए। वो सिलेक्ट करते हैं ISP को ताकि वो अपनी वेबसाइट को उस पर होस्ट कर सके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे। तो पहले तो ISP क्या होता है बताइए, प्रोटोकॉल क्या यूज करेंगे, मतलब प्रोटोकॉल इमरान को क्या यूज करना पड़ेगा ताकि वो अपलोड कर सके डॉक्यूमेंट को उनकी वेबसाइट पे। उसके बाद अगर URL इमरान की वेबसाइट का ये है तो क्या डोमेन नेम क्या होगा इस वेबसाइट का, क्या ये होगा, और फंक्शन बताइए DNS के, डोमेन नेम सर्वर के। तो सबसे पहले समझिएगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा पॉइंट है जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देगा, या फिर इसे कह सकते हैं कि जो इंटरनेट आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इंटरनेट देगा और आपसे सब्सक्रिप्शन के पैसे लेगा। तो जो पॉपुलर ISP इंडिया में है वो है VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल है, BSNL है, बहुत सारे हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से वो अपनी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जो दूसरा सवाल था। उसके बाद जो डोमेन नेम है उनकी वेबसाइट का वो ये है shop6to10। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है ताकि जो नाम है वेबसाइट के वो मैनेज कर सके और बाकी इंटरनेट डोमेन्स के हिसाब से। तो जो इसमें होता क्या है कि हर एक डोमेन नेम नाम से कोई चीज़ नहीं होती इंटरनेट पे, नंबर से होती है। तो जो IP एड्रेस आपके सिस्टम का एक IP एड्रेस होगा, वेब सर्वर का एक IP एड्रेस होगा, उस वेब सर्वर में आपकी वेबसाइट रखी होगी। तो वेब जो नाम आप दे रहे हैं ये वाला जो नाम है वो मैच करता है, या इसके पीछे एक IP एड्रेस लिंक्ड होती है, वो नाम से IP को कन्वर्ट करना या नंबर से नंबर कन्वर्ट करना वही काम DNS का है, डोमेन नेम सिस्टम का है। नेम सम सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में बहुत सारी सर्विस है, ईमेल, सर्च इंजन, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स, फोरम्स, न्यूज ग्रुप, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ई ग्रुप्स, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें। इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। सुखविंदर हैं जो कैनेडा में काम करते हैं, वो इंडिया में के अपने दोस्तों से टच में आना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो
सोशल नेटवर्किंग साइट्स बताइए जो वो यूज कर सकते हैं इंटरेक्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ट्विटर है, फेसबुक है, ये सबसे फेमस वेबसाइट्स है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। एक कंपनी नेम नाम है शिप्रा, उनका हेड ऑफिस है दिल्ली में और बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जो हेड है कंपनी के मिस्टर अंबर, ये जानना चाहते हैं, ये एक मीटिंग कॉल करते हैं ब्रांच मैनेजर के साथ ताकि वो उनको देख सके, उनसे बात कर सके और दिल्ली में। लेकिन आईटी मैनेजर आप हैं तो कैसे आप मदद करेंगे अंबर को? पहले तो आप एक्सप्लेन करिए उनको कि सर सबको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं। और पॉपुलर सॉफ्टवेयर बताइए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है लिनक्स में। जैसे अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो आपके पास टीम व्यूवर वगैरह है, वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप रिमोट लॉगिन मिलेगा, आपको रिमोट एक्सेस मिलेगा। ऐसे स्काइप पे बात कर सकते हैं आप, तो ये सब चीजें आपको बतानी है। तो पहली चीज तो ये है, आप बताएंगे कि अंबर साहब को कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लीजिए सारे ब्रांच मैनेजर के साथ। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो और वीडियो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है ताकि आप एक जगह से किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप किसी से भी बात कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। यानी कि एक्चुअल मीटिंग हो रही होगी लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी कि क्योंकि इसमें इंटरनेट यूज हो रहा है, इसमें ये सब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन जब आप बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप वेयर है, एक तरीका है जिसमें आप एक या एक से ज्यादा रिमोट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं जिससे आप बात कर सकते हैं यूजर से, यूजर और देख भी सकते हैं उनको एक उसी समय पे। फिर जो अलग अलग आपके लिनक्स बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे आपके फ्रीली अवेलेबल भी हैं, जैसे टीसीपी कैम है, ये टीसीपी कैम है आपका, ऐसे एकीगा है, जीनोम मीटिंग इसको कहते हैं, ऐसी स्काइप है, लिनक्स के लिए स्काइप भी है, ये भी बहुत बढ़िया है, फोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं आप। इमोटिकॉन्स और एक्रोनिम, ये बड़ा यूज होता है ईमेल मैसेज में और चैटिंग में। आजकल हाइक है, हाइक मैसेंजर है, आपका लाइन है, व्हाट्सएप है, इन सब पे ये सब बहुत यूज होता है। तो इमोटिकॉन्स जो एक्रोनिम है वो क्यों यूज होते हैं, पहले आप 5 बताइए इमोटिकॉन्स क्या है, 5 एक्रोनिम्स बताइए। तो जो इमोटिकॉन्स और एक्रोनिम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ये वो पहले इमोटिकॉन समझते हैं। इमोटिकॉन्स या स्माइलीज ये आपके इमोशन या फीलिंग को बताते हैं, चाहे ईमेल भेज रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो। ये एक तरीके का, आप किसी ने कुछ कहा आपको पसंद नहीं आया तो आपने थोड़ी आंख बड़ी कर ली अपनी, किसी ने कुछ कहा आपको पसंद आया तो आप हंसते हंसते लौट गए, ये चीज आप इसमें दे सकते हैं ताकि यूजर को पता चले कि वो आप जो बोल रहे हो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स भी इसमें एक्सप्रेस हो रही है। जबकि एक्रोनिम्स या एब्रीविएशंस जो होता है वो एक, क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार हमको लिखने पड़ते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है। जैसे एसएपी करेंगे इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, सेंड मी दी डॉक्यूमेंट एसएपी, एसएपी का मतलब एज सून एज पॉसिबल। ये जो एक्रोनिम्स है ये आपकी टाइपिंग को कम करती है, शॉर्टकट है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए। तो ये देखिए, ये स्माइल अगर आप कोलन दे के यू करेंगे तो ये आएगा, ऐसे करके करेंगे सरप्राइज एलिमेंट है, सैड है, आपका क्राइंग है, एट द रेट करेंगे तो एंग्री हो जाएंगे। ये अलग अलग इमोटिकॉन्स है, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो फ्रिक्वेंटली यूज एक्रोनिम्स है उसमें ASL है एज सेक्स लोकेशन, BRB है बी राइट बैक, CU है CU के लिए, FAQ है frequently asked question, LTNS है long time no see। मिस्टर सुब्रमण्यम है, ये स्कूल टीचर है जो चाहते हैं किसी टॉपिक पे कुछ सर्च करना। पहले तो समझ लीजिए कि उनको बताना पड़ेगा कि इंटरनेट क्या है, सर्च इंजन क्या है, एडवांटेज बताने पड़ेंगे सर्च इंजन के और डिसएडवांटेज बताने पड़ेंगे सर्च इंजन के। तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि इंटरनेट कलेक्शन है, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का, और बहुत इंपॉर्टेंट मीन हो गया है ये आजकल बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। तो कुछ चीज ढूंढनी है तो बहुत आसानी से यहाँ ढूंढी जा सकती है, उसके लिए आपको सर्च इंजन यूज करना पड़ेगा। सर्च इंजन ऐसा एक एल्गोरिथम बैकग्राउंड में, ऐसी एल्गोरिथम बेस्ड आपके पास एक वेब पेज है या वेबसाइट है कह सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी चीज डालेंगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसे ढूंढ के लाता है। सर्च इंजन के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी चीज को ढूंढना। एडवांटेज क्या है सर्च इंजन के? पहली चीज तो ये है कि जो जिसको ढूंढने में
बहुत समय लगता था, अब वो मैटर ऑफ सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड की बात हो गई है। जो सर्च इंजन है, आप जो भी चीज़ ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम टाइम आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इनअप्रोप्रिएट है। जैसे आप अभी स्टूडेंट है, आप अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपको नहीं देखनी चाहिए या नहीं जाननी चाहिए उस आपके उम्र के हिसाब से, वो चीज़ आ जाएगी तो टेम्पटेड होता है आदमी वहाँ जाने में और उनको देखने में देखता है तो समय आपका खराब होता है और जो अपना एक्चुअल काम है उसे आदमी भटकता है। What step will you follow to search a person using the HTTP this www.people.yahoo.com? इससे आपको क्या पता चलता है, क्या होगा इससे? आप ढूंढ सकते हैं लोगों को। कुछ ऐसे वेबसाइट बताइए जो आपको लोगों को ढूंढने में मदद करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ढूंढेंगे कैसे इसमें, तो ओपन करिए इसको www.people.yahoo.com, उसमें याहू सर्च पे जाइए, आपको एक पेज अपीयर होगा। उस पेज में आप सर्च करिए, चाहे नाम डालिए, फोन नंबर डालिए या ईमेल आईडी डालिए। ऐसे याहू सर्च पेज पे जाइए, वहाँ पर अपना डिजायर क्राइटेरिया दीजिए और सर्च करिए, तो उससे आपको जो भी आपने सर्च क्राइटेरिया दे दिया उस हिसाब से लोग आएंगे। जो वेबसाइट है जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो फेसबुक है, फेसबुक पे सर्च करिए, अगर वो फेसबुक पे होगा तो आपको दिख जाएगा। PIPL.com है, IndiaBook.com/people है, LinkedIn है, उसमें भी आपको लोग मिल जाते हैं। सपोज यू आर अ टीचर, आप एक टीचर है स्कूल में, आपने स्टूडेंट को बोले कि मुझे इन सब पे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे कंप्यूटर, जो कंप्यूटर लैब में है उसको कनेक्ट करना है इंटरनेट से, और ये भी चीज़ है कि दूसरी इंफॉर्मेशन जो चाहिए, कैन स्टूडेंट सेंड ईमेल्स, ईमेल मैसेज फ्रॉम द कंप्यूटर्स? उसका उत्तर इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले जो कंप्यूटर लैब में है वो किस किस तरीके से कनेक्ट होंगे इंटरनेट से। तो तीन तरीके हो सकते हैं मेनली, डायलअप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो आप किसी भी ईमेल वेबसाइट पे जाइए, जैसे याहू पे जाइए, रेडिफ पे जाइए या फिर जीमेल पे जाइए, वहां से आप ईमेल भेज सकते हैं अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। राइट द इंस्टेंसेज वेयर द फॉलोइंग सर्विसेज वुड बी यूज्ड, कौन ऐसे इंस्टेंसेज बताइए जहां पे ये सर्विसेज यूज होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पिक्चर और साउंड भेजना है, ऑनलाइन शॉपिंग और ई बैंकिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं किसी न्यूज़ का या स्पोर्ट का, या कोई क्रॉस कंट्री मीटिंग करना चाहते हैं बिजनेस ग्रुप की, या फिर डॉक्टर्स रिमोट सर्जरी करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन पिक्चर का करना है, साउंड का एक साथ, तो आप टेलीविजन ओवर IPTV ये यूज़ कर सकते हैं। जब आपको टेलीविजन करना है ओवर IPTV तब आप को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो या डाउनलोड करना है, या ऑनलाइन गेम्स खेलने, ऑनलाइन शॉपिंग जब आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे होम शॉप 18, ईबे, क्विकर, यहाँ पर आप जाके खरीद सकते हैं चीज़ों को। ई बैंकिंग, जब आप बिल ऑनलाइन पे करना चाहेंगे, या अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहेंगे, या पैसे ट्रांसफर करना है आपको, या डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको ऑनलाइन। ओपन द वेबसाइट ऑफ सम बैंक, जैसे HDFC, ICICI, SBI, PNB और भी जितने बैंक हैं जिसको आप जानते हैं, उसको ओपन करिए अपने हिसाब से और ई बैंकिंग देखिए क्या क्या वो ऑफर करते हैं। तो ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, जो एक बैंक की तरह ही काम करता है लेकिन वो इंटरनेट पे है। तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप बैंक जाके करते हैं। तो कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कोई एक बैंक उठाइए, वो क्या क्या आपको देते हैं? एक तो आप अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक स्टेटस देख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड को, कोई फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, RD या FD, डिमांड ड्राफ्ट या चेकबुक या चेक का पेमेंट स्टॉप करवा सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे, जो पूरी तरीके से अगर कोई आपका एप्लीकेशन हो, आपको कुछ काम करना हो, उस हिसाब से बनाए गए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।